हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सभी अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज तारीख है 22 फरवरी 2022। अगर आप लोग डेली इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़पेपर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आप लोग रहते हैं अपडेट। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो अपडेट है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि यूपी स्कॉलरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है सभी छात्रों के अंदर कि जो छात्रवृत्ति है वो कब तक और किस तरह से आने वाली है, क्योंकि आप लोगों की जो स्टेटस है अभी भी सस्पेक्टेड शो हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस आर्टिकल में, इस वाली जो ऑफिशियल यहाँ पर जो नोटिस था उसमें देखिए आप लोग यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों का जो करेक्शन की डेट थी वो थी 21 फरवरी तक, लेकिन आप लोगों को उसका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट आप लोगों को 24 फरवरी तक करना है। ठीक, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। बाकी जो आप लोगों के फॉर्म के अंदर गड़बड़ी अभी तक शो हो रही है वो 4-5 दिनों के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि अभी DWO काम करने लगा है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग कि समाज कल्याण विभाग ने दिया विकल्प, छात्रों के लॉगिन में खामियां भी बताई हैं, तो आप ये बिल्कुल सही हो जाएंगी सारी चीज़ें। और कुल 26 लाख विद्यार्थियों को अगले माह भुगतान किया जाना है। यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोग पूरा ये देख पा रहे हैं, मतलब अगले महीने तक आप लोगों को 25 मार्च तक सभी लोगों को छात्रवृत्ति जो है मिल जाएगी। अगर आपकी में कोई समस्या आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर आकर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर रोहिलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से, जिसमें कि सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में उलझ गया विश्वविद्यालय और परीक्षा फॉर्म भी अभी तक लेट हो गए हैं, क्योंकि आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई लागू हो गई है, नई शिक्षा नीति, और सब्जेक्ट कॉन्वोकेशन का जो है उसको तैयार करने में अभी जो छात्रवृत्ति है वो जुटी हुई है। पूरी तरह से एजेंसी को हटा दिया गया, पुरानी एजेंसी को, और नई एजेंसी को ये काम सौंपे गए हैं, क्योंकि उन यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो इसलिए सारी चीज़ें की गई हैं। अभी फाइनल यहाँ पर इनकी तरफ से जो है अपडेट कोई आया नहीं है कि एग्जामिनेशन किस पैटर्न पर करवाए जाने। बाकी प्राइवेट फॉर्म की जो स्थिति है वो स्पष्ट अभी नहीं कर पा रहा है विश्वविद्यालय, तो इस चीज़ को लेकर भी अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर यह पूरा अपडेट आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर, ये देखिए, ये BEd के जो छात्र हैं उन लोगों के लिए मेरठ यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अपडेट आया है, जिसमें कि BEd और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए कोई भी राहत नहीं मिली है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नई शिक्षा नीति जरूर लागू हुई है लेकिन ना तो फीस में कोई राहत मिली है, ना ही उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी कोई भी उसमें भी कोई बदलाव नहीं किए गए। तो ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो है विवाद क्या था। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पिछले वर्ष बीएड और प्रोफेशनल कोर्सों में परीक्षा शुल्क का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन छात्रों की फीस में विश्वविद्यालय ने 1500 रुपये संबद्धता शुल्क ले रहा था। छात्रों का तर्क था कि संबद्धता कॉलेज को ही मिलती है, ऐसे में उनसे ये फीस लेना औचित्य बिल्कुल भी इसका नहीं है। करीब 10 वर्षों से यह फीस ली जा रही है और इसमें उक्त कोर्स में 5500 से 6000 तक का जो है उनका जो रुपए हैं वो फीस आती है। तो ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से कही गई थी, तो उस पर भी कोई भी अभी बदलाव नहीं किए गए हैं। बाकी छात्रों के जो तर्क हैं आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये राइट कॉर्नर में आपको दिख रहे होंगे, इसको आप पढ़ पा रहे होंगे। और भी ये देखिए, फीस में कोई राहत वगैरह कुछ नहीं है, और ये BA, BSc, BCom, NEP जो है लागू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी यहाँ पर इनका फीस में कोई भी सारी चीज़ें नहीं की गई, फीस में कोई राहत नहीं है। ये मेरठ की तरफ से अपडेट है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से। अगला जो अपडेट है आप सभी लोगों के लिए ये है, यहाँ पर डिजिटल यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा छात्रों से, ताकि और जल्दी उनका जो है कनेक्शन बढ़ पाए और सारी चीज़ें बिल्कुल सुगम और अच्छी हो पाएँ। तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी से दूर होगा सीटों का संकट, ये मोदी की तरफ से कहा गया। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी अपडेट आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी डिजिटली आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आप इसको भी पूरा देख सकते हैं। अगला जो अपडेट है, बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है कि परीक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन कराई जाएं या फिर ऑफलाइन कराई जाएं, तो उसका अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आया है ऐसा फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर है, अब जैसे ही कोर्ट आपको अपडेट करेगा मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। आंतरिक मूल्यांकन से जारी होगा परीक्षा का परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर, ये विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर जो है कमेटी से वार्ता होगी छात्रों की, लेकिन कमेटी ने कोई निर्णय नहीं दिया है, तो छात्रों ने अभी घेरा है VC का दफ्तर। तो उसके बाद अभी भी कोई भी इनको जो है परीक्षा ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो उस पर लेकर कोई भी अभी तक इनको
फाइनल अपडेट नहीं मिला है, तो इसीलिए सभी छात्र अनशन धरना वगैरह कर रहे हैं। डेटा यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर, यहाँ पर 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 8373 केंद्रों पर होने वाली हैं, अभी फाइनल डेट नहीं आई है। आप सभी लोग फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही है। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप लोग आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप लोगों की जो एमसीक्यू की परीक्षा है वो BA BSc BCOM की होनी है, फर्स्ट सेमेस्टर की होनी है, तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोग बार बार कमेंट वगैरह ना करें। आपको अगर और कोई भी पैटर्न आपको बताया जाता है, कोई भी अपडेट आएगी, तो मैं आपको तुरंत ही वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना, और आप लोग किस कोर्स में पढ़ रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी, तो वो चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।